हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के टॉप 10 फीचर्स के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना है, आपको टेलीग्राम ओपन करना है। देखिए मेरा टेलीग्राम ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे टेली के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हमें डेली बेस पे काम आते हैं लेकिन वो हाइड होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें रोज़ अगर वर्किंग करनी है प्रॉपर तो सबसे टॉप 10 फीचर्स कौन से हैं जो हमें वर्किंग में काम आने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की हम बात करते हैं, वो है अपना अल्ट F3। जैसे ही मैं अल्ट F3 प्रेस करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट कंपनी का। अब मान लीजिए आपको जैसे कोई भी कंपनी सिलेक्ट करना हो, जैसे आपने 3-4 कंपनी बनाई है, तो आपको अदर कंपनी में जाने के लिए आपको अल्ट F3 प्रेस करना है। फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो भी कंपनी में आपको वर्क करना हो। फिर नेक्स्ट एक और ऑप्शन यहाँ पे है क्रिएट कंपनी का। अगर मान लीजिए आपको नई कंपनी क्रिएट करना है तो आपको अल्ट F3 प्रेस करना है। फिर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को या फिर नई कंपनी को। एक और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आपकी उस कंपनी का आईडी पासवर्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ से रिमोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एंटर करके बताता हूँ। देखिए आपको उसका यूज़र आईडी, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, तो आप यहाँ से भी वर्किंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्पेसिफाई पार्थ। स्पेसिफाई पार्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसी फोल्डर को एंटर करने का। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने डी ड्राइव में एक फोल्डर है, उसमें एक टेली का डेटा रखा हुआ है, तो आप उसकी लोकेशन को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और फिर आप यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी कर दीजिए, तो आपका जो वहाँ का डेटा है वो यहाँ टेली प्राइम में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं इस पर एंटर प्रेस करके आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपका ई ड्राइव में कोई डेटा रखा हुआ है और आपको वहाँ से उस डेटा को उठाना है, तो आप डायरेक्ट टेली प्राइम के अंदर जाकर उस डेटा को यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करते हैं, वो है अपना गेट्स ऑफ टेलीपे मास्टर्स। देखिए मास्टर्स में 3 फीचर्स हैं, एक है क्रिएट, फिर नेक्स्ट है अल्टर और थर्ड है चैट ऑफ अकाउंट्स। तो ये क्या है, चैट ऑफ अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर दिख रहा हूँ, जैसे ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप, करेंसी, बजट और भी। जैसे इन्वेंट्री मास्टर में जाता हूँ मैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स, गुड्स, गोडाउन वगैरह ये सब। अब सपोज कीजिए आपको ये पता करना हो कि मैंने कितने लेजर्स अभी तक टेली प्राइम के अंदर बनाए हुए हैं, टेली के अंदर बनाए हुए हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर प्रेस करना है, देन आपको लेजर्स पर जाना है। तो आपने जितने भी आपके टेली प्राइम के अंदर टेली के अंदर लेजर्स बनाए होंगे उस कंपनी में, वो आपके यहाँ पर पूरे शो होने लगेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा आ रहा है, मेरे लेजर्स जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं 826। फिर अगर मान लीजिए आपको स्टॉक आइटम देखना हो कि मैंने कितने कितने स्टॉक आइटम बनाए, तो आप यहाँ पर जाकर स्टॉक आइटम भी, आपका स्टॉक आइटम देख सकते हैं जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए होंगे। फिर नेक्स्ट एक और अपन अच्छे फीचर्स पे आते हैं, वो है अपना क्रिएट का। जैसे आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करना हो, जैसे मैं देखिए क्रिएट पर इंटरफेस करके बताता हूँ। जैसे आपको ग्रुप्स क्रिएट करना हो, लेजर्स क्रिएट करना हो, करेंसी क्रिएट करना हो, वाउचर टाइप क्रिएट करना हो, जो भी चीज़ को आपको क्रिएट करना हो वो आपको क्रिएट पर जाकर क्रिएट करना रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट क्रिएट करना है तो मैंने आपको बताया था सेकंड लास्ट वीडियो में, आप अल्ट सी से भी कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप किसी वाउचर्स या फिर किसी एंट्री के अंदर हैं तो। फिर नेक्स्ट एक और मैं आपकी फीचर्स की बात करता हूँ, वो है अल्टर। जैसे मान लीजिए अल्टर का ऑप्शन इसमें इसलिए दिया हुआ था है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई लेजर क्रिएट किया हुआ है या फिर कोई स्टॉक आइटम क्रिएट किया या फिर व्हाटएवर जो भी आपने इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है, यूनिट, गोडाउन, करेंसी, वाउचर टाइप वगैरह, ग्रुप्स वगैरह जो भी, अब आपको उसको कुछ अल्टर करना है। जैसे मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कुछ गलत टाइप हो गया, तो उसको आप यहाँ सर अल्टर पर जाकर अल्टर कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से वो क्या है वो जो सही हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ऑप्शन पे आते हैं, वो है अपना ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के अंदर 2 चीज़ें हैं, वाउचर है और एक डे बुक है, ठीक है। तो अभी अपन आते हैं डे बुक पर। देखिए मैं डे बुक पर एंटर करता हूँ, तो डे बुक एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर देखना हो कि कोई भी अल्ट F2 प्रेस करके अगर आपको देखना हो कि मुझे इस डेट से इस डेट तक मुझे अपना लेजर्स देखना है कि मैंने कितनी एंट्रीज की हूँ, तो वो आप यहाँ पे अल्ट F2 प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1/4/2022 से 31
30/4/2022 तक मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी सारी एंट्रीज की हैं, मीन्स परचेस कितनी की है, सेल कितनी की है, और जनरल एंट्री मेरी कौन सी एंट्री है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी एंट्री, सभी एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, परचेस की एंट्री भी आएगी, पेमेंट की एंट्री भी आएगी, रिसिप्ट की एंट्री भी आएगी, जनरल एंट्री भी आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री भी आएगी, सारी एंट्रीज डे बुक के अंदर आती हैं। एक और मैं आपको एक डे बुक के अंदर एक फीचर्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर सर्च करना हो, या फिर पर्टिकुलर एक कोई लेजर का क्रिएट लेजर सर्च करना हो, या फिर किसी लेजर का नाम सर्च करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अल्ट F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट F12 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको क्रिएट कर बताता हूँ, जैसे अपन वो सर्च करके बताता हूँ। तो आपको वाउचर ले लेना है यहाँ पे, फिर आपको जैसे अपन लेजर अमाउंट सर्च करते हैं, तो मैं लेजर अमाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ। देन मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ इक्वल टू, तो इक्वल टू पे एंटर प्रेस करता हूँ। अभी अपन यहाँ पे सर्च करते हैं 4000 रुपीज़। मैं इस पर एंड ऑफ लिस्ट एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए 4000 की मेरी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी डे बुक के अंदर, इसलिए यहाँ पे नहीं आई है। अगर कोई डे बुक के अंदर 4000 की एंट्री होती तो वो यहाँ पर शो होती, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला भी, अगर आपको आपके डेली बेसिस में अगर आपको काम लेना है, अगर ज़्यादा आपको सर्च वगैरह अमाउंट करना रहता है। तो फिर नेक्स्ट अपन आते हैं वाउचर्स पर। वाउचर्स क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए आपको कोई एंट्री करना हो, जैसे कि परचेस की एंट्री करना हो, पेमेंट की एंट्री करना हो, रिसिप्ट की एंट्री करना हो, कॉन्ट्रा एंट्री करना हो, तो वह सभी एंट्री आपको वाउचर्स के अंदर जाकर करनी रहेगी। देखिए अभी मेरा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है। मेरा कॉन्ट्रा वाउचर इसलिए ओपन है क्योंकि ये मैंने F4 प्रेस किया हुआ है। देखिए जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा तो मेरा कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप ये देखते हैं यहाँ पर मेरा, तो देखिए जैसे मैंने F4 प्रेस किया तो मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। अगर मुझे मान लीजिए पेमेंट करना है तो मुझे F5 प्रेस करना रहेगा। जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। और अगर मुझे रिसिप्ट की एंट्री करना है तो मुझे F6 प्रेस करना है। और अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं कि रिसिप्ट के लिए मुझे कौन सा वाउचर या कौन सा शॉर्टकट की है, तो आप यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं माउस से। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका रिसिप्ट का वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जनरल एंट्री अगर आपको खोलना है तो जनरल एंट्री का वाउचर खोल जाएगा, सेल का वाउचर खोलना है, परचेस का वाउचर खोलना है, तो जो भी वाउचर आपको खोलना है आप यहाँ से खोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम फीचर्स पे आते हैं, वो है अपना रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं आपकी कंपनी की, जैसे आपको अगर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट देखना है तो आप यहाँ बैलेंस शीट पे जाकर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं। देखिए ये मेरी आधी बैलेंस शीट देख रही है, आपको फुल करना है तो आपको क्या करना है, अल्ट F1। जैसे आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपकी जो कंपनी की जितनी भी बैलेंस शीट में ट्रांजेक्शन होंगे वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। फिर नेक्स्ट अपन फीचर्स की बात करते हैं, वो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाकर आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने जितना भी स्टॉक क्रिएट किया हुआ है, कितना क्रिएट किया हुआ था, कितना आपके पास माल आया और कितना आपने सेल किया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होती है। फिर नेक्स्ट आप आते हैं अपन रेशियो एनालिसिस। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि मेरी वर्किंग कैपिटल क्या है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट कितना है, बैंक ओडी अकाउंट कितना है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हम एक और ऑप्शन पे आते हैं, ये है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स क्या होता है, मैं आपको इस पर एंटर प्रेस करके बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस देखना है, फिर डे बुक देखना है, या फिर आपको कोई वाउचर्स के अंदर जाना है, तो आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाकर अंदर जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक और मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए आप गेट ऑफ टेली पर खड़े हुए हैं और आपको GSTR 1 देखना है, तो आपका GSTR 1 क्या है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डी प्रेस करना है और ओ प्रेस करना है। डी और ओ जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे GST रिपोर्ट आ गई, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी। और अगर मान लीजिए आप शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा GST रिपोर्ट्स का, तो इस पर आपको एंटर कर देना है। जैसे भी इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका GST 1, GST 2, GST 3 भी आपका यहाँ पर शो होने लगा है। एक और मुझे टेलीप्राइम के अंदर एक नया फीचर बहुत अच्छा लगता है, जिसे मान लीजिए आप वाउचर के अंदर हैं, ठीक है। और अभी अपन खोलते हैं परचेस वाउचर, जैसे यहाँ पे अपन परचेस वाउचर खोल लेते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे 01 ले लेता हूँ, और यहाँ भी 01 ले लेते हैं अपन, डेट भी ले लेते हैं, पार्टी कोई भी ले लेते हैं अपन अभी फिलहाल। जैसे मैंने ये पार्टी ले ली दरवेश हार्डवेयर,
अब यहाँ पे परचेस ले लेते हैं अपन 18%। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, मीन्स मैं यहाँ पे आइटम डाल सकता हूँ। अब मान लीजिए आपका अगर इस टाइप का हो, जैसे मान लीजिए ऐसा वाउचर हो, जैसे डेबिट और क्रेडिट का हो, या फिर मान लीजिए आपका अकाउंटिंग इनवॉइस हो, जैसे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर में आ रहा हो, तो आपको आइटम वाइज करना है, तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। जैसे आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज वाउचर मोड, तो आपको आइटम इनवॉइस कर लेना है। जैसे भाई आइटम इनवॉइस करेंगे तो आपका आइटम वाइज एंट्री आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कंट्रोल एच शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज मोड, आपको चेंज मोड पर एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे आ गया चेंज वाउचर मोड, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को, जो कि बहुत अच्छा है, काम मतलब वर्किंग में काम आता है। एक और फीचर मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आप परचेस की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एंट्री करना है, या फिर आपको कोई वाउचर्स देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा होगा F10, तो यहाँ F10 के सामने यहाँ पे ऑप्शन है अदर्स वाउचर, तो आपको अदर्स वाउचर पर एंट्री प्रेस करना है। जैसे आप अदर्स वाउचर पर एंट्री प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे जितने भी वाउचर हैं आपके, कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल एंट्री, पेमेंट, परचेस, रिसिप्ट, सेल, सब यहाँ पर आपके वाउचर्स हैं। आपको जिसमें भी एंट्री करना हो आप यहाँ से ओपन करके एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे फीचर हैं टेली प्राइम के अंदर, जो वर्किंग करने के लिए हमें डेली बेसिस में काम आते हैं। एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, जैसे अपन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर प्रेस करते हैं, और जैसे मैं अभी जैसे कि मान लीजिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को अपन छोड़ते हैं अभी अभी, जैसे मान लीजिए अपन टेली प्राइम के ऊपर हैं और गेट ऑफ टेली पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सेल की मतलब सेल का लेजर देखना है कि आपका सेल का लेजर कितना है, तो आपको सिंपली कोई शॉर्टकट नहीं है, डी प्रेस करना है, ए प्रेस करना है, एस प्रेस करना है, डिस्प्ले अकाउंट सेल लेजर, ठीक है। तो देखिए ये मेरा सेल लेजर ओपन होगा, देखिए मैं आपको एंटर करके बताऊँ, ये मेरा सेल का लेजर है। सिंपली अगर आप गेट ऑफ टेली पर खड़े हुए हैं और आपको परचेस का लेजर खोलना है तो क्या प्रेस करना है आपको, डी डी मीन्स डिस्प्ले, ए मीन्स अकाउंट्स, और पी मीन्स परचेस। तो देखिए मेरा परचेस का यहाँ पे लेजर ओपन हो गया। अब सिंपली मैं एक और आपको शॉर्टकट की बताता हूँ, बैक जाता हूँ, जैसे मैं गेट ऑफ टेली पे आ गया, अब मुझे यहाँ पे बैंक की एंट्रीज करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डी प्रेस करना है, अकाउंट्स बुक प्रेस करना है, और सी प्रेस करना है, डिस्प्ले अकाउंट कैश इन हैंड, या फिर कैश इन बैंक। तो देखिए यहाँ पे मेरी जितनी बैंक थी वो यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों बहुत अच्छा शॉर्टकट की है, आप याद रख लीजिए, डिस्प्ले अकाउंट परचेस DAP, डिस्प्ले अकाउंट सेल DAS, डिस्प्ले अकाउंट कैश इन हैंड या फिर कैश इन बैंक तो DAC। तो बहुत अच्छा तरीका है ये शॉर्टकट की आपको जानने का, बहुत डिलीवरीज में काम आते हैं। और मान लीजिए आपको डेट चेंज करना है तो डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, डेट चेंज करने के लिए आपको अल्ट F2 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट F2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से डेट चेंज भी कर सकते हैं और चेंज पीरियड भी कर सकते हैं। पर आपको सिंपली वन डेट चेंज करना है तो आप सिंपली अल्ट ना दबाकर सिर्फ F2 प्रेस कीजिए। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो ये करंट डेट आपकी चेंज होती है। सो दोस्तों ये थे हमारे टेलीग्राम के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।